हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का इस नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं, किधर जाने वाले हैं भाई? इतना जोर से नहीं बोल रहा था। तो अभी अंधेरी स्टेशन पे खड़े हैं, अभी अपनी ट्रेन आने वाली है, इंस्टीट्यूट से निकल गए हैं, बस ट्रेन में बैठेंगे, यहाँ से वापी के लिए जाएंगे और फिर वापी से के बाद फिर वहाँ पे होगी भाई न्यू ईयर की पार्टी। कार कॉपी प्रशांत कॉपी, मैं हूँ विनायक भाई, प्रशांत है, काशी है। अभी हम लोग ट्रेन के अंदर आ गए हैं और इस तरीके की ट्रेन, बताओ विनायक भाई कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नया है, डबल डेकर टाइप ट्रेन है, पहली बार देख रहे हैं, बैठ रहे हैं। और तुम लोग क्या बोलोगे भाई? मतलब लॉन्ग सफर के लिए तो अच्छी नहीं है, थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सही है। काशी क्या एक्सपीरियंस है? देखो ऐसा है, बाल नहीं सेट करना इस पे। देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ, लंबे लोग इसमें मत आना, ठीक है? ऐसे करके आना पड़ता। तेरे बता। बिल्कुल भाई, दोस्तों के साथ पहला सफर है, चलेंगे, लंबा सफर है। क्या बात है, मौज काट दी। चलो यार, मिलते हैं आपसे आगे के सफर में, है ना? हाँ, और इस सफर का क्रेडिट जाता है प्रशांत शिवारे को, जो प्लान करते टाइम भी सो रहे थे, ठीक है? जो सो रहे थे, जिन सब ने कहा प्लान कर लेते तो सो गए। टिकट्स किसकी वजह से बुक हुए? मैंने कहा बुक करो। तो चलो यार, बहस वगैरह तो चलती रहेगी, ये तो मस्ती है तो हमेशा अकेले रहेगी। और अभी हम लोग दमन आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है? एक्चुअली हुआ क्या, मैं पहले आपको बताता हूँ। तो अभी हम लोग दमन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस प्लान था, ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं था कि यहाँ आना है, ये होटल बुक किया है। तो अभी जो है रात का 10 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया और अभी अपने को होटल वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है? सभी ने अलग अलग प्लान्स किए थे, किसी का भी प्लान ऐसा कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग बस यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस जगह पर खा रहे हैं, ठीक है? हमने पहले से खाना पैक करा रखा है, लेकिन हम लोग साथ में यहाँ पे पिज़्ज़ा भी ले रहे हैं। विनायक भाई क्या बोलोगे? कुछ नहीं, हर तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आज ही एक्सपीरियंस भी देख लेते हैं क्या सिखा के जाता है। सोचा नाइट आउट था, जगह मिल जाए बस रहने की और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। दो बंदे अपने जो है प्रशांत और काशी, ये रहा प्रशांत भी आ ही गया। प्रशांत भाई कैसा आपका प्लान बिल्कुल एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल 101% एग्जीक्यूट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्लान है, आप देख सकते हो, मस्त, बहुत मज़ेदार आ रहा है। काशी अभी कहीं और पे है, उसको भी आना, तो उससे ही बातें कराता हूँ। तो आप देख सकते हो काशी भी आ गया है, बाकी लोग से तो आप मिल लिए, एक बार इसकी भी राय जानते हैं। बताओ भाई अभी तक का ट्रिप के बारे में क्या कहना है? बहुत ऑसम ट्रिप है। तो अभी अपना पार्टी चल रहा है, छोटा सा पार्टी। और हैप्पी न्यू ईयर 2023। अभी रात के बिल्कुल 12 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे दमन के वापी में है, ठीक है? वापी में बाहर बैठे हुए, रोड पे बैठे हुए यार, गाड़ियाँ जा रही हैं, अभी पटाखे वगैरह भी, आतिशबाजी भी चल रही है, लेकिन क्योंकि अभी तक अपने को रूम नहीं मिला है तो अभी बाहर ही बैठे हुए हैं। काशी भाई भी इधर है, बात कर रहे हैं किसी से। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रणव भाई भी है। प्रणव भाई हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई, कैसे हो? किसको बोल रहे हो, कैसे हो? सबको बोल रहा हूँ भाई, हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए। प्रणव ने सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया है। तो अभी प्रशांत और काश विनायक रूम देखने के लिए गए ऊपर, देखते हैं, अभी तक रूम तो मिला नहीं है, जल्दी मिल जाएगा, ठीक है? जैसे ही रूम वगैरह मिलता है अपडेट देते हैं। बाकी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, एंजॉय करो 2022 में, जो भी गलतियाँ की थी, जो भी गोल्स बनाए थे, जो पूरे नहीं हुए थे या अधूरे हो, उनको पूरा करो और 2023 को अपना साल बना दो। काशी तो रूठ गया थोड़ा सा, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर तो बोल ही देगा एटलीस्ट। तो कल यार अराउंड 12:30 बजे के करीब रात में अपने को होटल मिल गया था, इधर ही होटल पर रुके थे हम लोग, ठीक है? और उसके बाद रूम वगैरह में जो बहस हुई है भाई लोगों के बीच में, कतई जहर, मतलब हर कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं सही हूँ वो गलत है, मतलब सबने एक दूसरे के मज़े लिए हैं बेसिकली। और अब यार 1 जनवरी 2023 नया साल है, नया दिन है, नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? पुराने किले सिकुओं को भूल जाएंगे, एटलीस्ट मेरे साइड से तो मैं इतना करूँगा, बाकी लोगों का पता नहीं। और थोड़ा सा इन लोगों से भी डिस्कस करते हैं। देखिए ये लोग जा रहे हैं, प्रशांत और विनायक आगे निकल चुके हैं, तो चलो आगे मिलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर डबल बीच वगैरह के लिए निकलते हैं, ठीक है? तो यार अभी अपना नाश्ता चल रहा है, आप देख सकते हो कि काफ़ी भूखे शेर की तरह अटैक कर रहे हैं सारे खिलाड़ी हमारे। प्रशांत क्या बोलना चाहोगे न्यू ईयर के दिन? हैप्पी न्यू ईयर गाइस, न्यू ईयर विश कर दो दोस्तों को। तो यार अभी अपना नाश्ता डाल हो चुका है, अभी हम लोग वापी स्टेशन में आ गए हैं और वापी से अभी हम लोग जाने वाले हैं जमपुर। प्रशांत भाई का फोन आया था, जमपुर में जाके क्या क्या करना है अपने को? मोहब्बत भाई का देखते हैं यार, वाटर राइड्स वगैरह कुछ जाने का, लोकल करते हैं सब। विनायक भाई क्या प्लान थे जमपुर के?
तो चलो स्पॉन्टेनियस प्लान से जाके देखते हैं, आगे चलते मिलते हैं। चलो तो यार अभी टैक्सी ले चुके हैं हम लोग और टैक्सी से जा रहे हैं जम्पोर बीच सीधा। तो जम्पोर बीच जाने में कितना टाइम लगेगा भैया? आधा घंटा लगेगा भैया ने बोल दिया। तो चलो आधा घंटा का सफर है, कोई खूबसूरत सा सीन होगा तो जरूर आपको दिखाऊंगा, वरना सीधे मिलेंगे जम्पोर बीच में। यार अब हम लोग जम्पोर बीच पे आ चुके हैं। जम्पोर बीच पे माहौल यार काफी जबरदस्त है, आप देख सकते हो भीड़ वगैरह काफी ज्यादा है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं एंड जाके देखते हैं क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। बोट्स वगैरह दिख रही है क्यों प्रशांत भाई? हाँ भाई। और कैमल वगैरह राइडिंग करोगे आप? कैमल बोट नहीं, कैमल में इंटरेस्ट है। तो चलो बहुत सारी चीजें हैं, जाके देखते हैं एंड सबको एंजॉय करते हैं। यार अभी हम लोग आ चुके हैं दमन बीच में, आप देख सकते हो माहौल बहुत ही ज्यादा खुशनुमा और सनी वेदर है, ठीक है। और यहाँ पे दो हाइड्रा के प्लेयर्स के बीच में अभी रेसिंग का माहौल है। ये फिनिश लाइन है, कितने की शर्ट लगी है? 100 रुपए की शर्ट लगी है। फिनिश लाइन वहाँ पे है, जस्ट इस घोड़े के पीछे प्रशांत खड़ा है, वहाँ पे जूम करके अभी आपको दिखाते हैं। पूरा प्रशांत खड़ा है, हाथ दिखा रहा है, वहाँ तक जो पहले पहुँचा वो रेस जीत जाएगा। चलो रेस स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी जस्ट हमने बीच में रेस की है और रेस में मैं हार गया काफी से, वो वीडियो भी मैं अटैच कर दूंगा अगर मेरा मन किया तो। अभी हम लोग बीच समंदर में हैं और विनायक और प्रणव के बीच अभी कुश्ती होने वाला है, तो चलो इन दोनों की कुश्ती दिखाते हैं आपको। पहले वो देखो ये गिर गया, तो ये इन्होंने एक बार और करते, रुक जाओ, 1 2 3 स्टार्ट। और यहाँ पे खतरनाक कुश्ती चलती हुई और पटकनी दे दी है प्रणव को, पटकनी मिली है, विनायक जीत गया। प्रणव कैसा लग रहा है भाई? कैसा लग रहा है जल्दी बता, दिखाते हैं भी कैसा लग रहा है। फिर से एक राउंड हो रहा है और यहाँ पे फिर से गिर गए। खेल में नए खिलाड़ी आ रहे हैं, वहाँ पे है चैंपियन बनते हुए विनायक। यार अभी बीच समंदर में मेरे और प्रणव के बीच में कुश्ती होने वाला है। प्रणव आर यू रेडी? प्रणव रेडी है, चलो जाके कुश्ती करते हैं। ये पटकनी मिल चुकी है प्रणव सिंगला को, अभिरीत भैया उनके ऊपर बैठ गए। चैंपियन भाई यस। 3 चीयर्स फॉर द मंडरे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, ये ये। तो यार काफी देर पानी में मस्ती करने के बाद अभी हम लोग वापस आ चुके हैं और थोड़ा सा यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे हैं। देखना है कुछ राइड्स वगैरह लेनी है कि नहीं अभी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इंडिविजुअल मस्ती तो कर ली है। आप देखते हैं राइड्स वगैरह लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं यार और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है ना। तो भाई अभी हम लोग बनाना राइड पे आ चुके हैं एंड बनाना राइड पे अभी हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें पलटी भी हो जाता है तो थोड़ा सा देखते हैं, फोन का ध्यान रखना पड़ेगा और आगे जाके चलते हैं, ठीक है। ऐसे तो अपने को पैरासेलिंग भी करनी थी लेकिन थोड़ा सा लेट आ गए, इस वजह से वो अब नहीं हो पाएगा। चलो बनाना राइड का मजा करते हैं। बचाओ काशी का, बचाओ बीच समंदर में, बीच समंदर में इतना पानी है, कैसे डूब जाएगा कोई आदमी। तो यार समंदर में जितनी मस्ती करनी थी, जितना मौज करना था हमने कर लिया, आप देख सकते हो ये लोग अभी भी समंदर वाले गेटअप में हैं, ठीक है। मैंने तो अपना ड्रेसअप चेंज कर लिया है। काशी और प्रणव यार बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, एंड उनकी वजह से अभी अपने को रुकना पड़ रहा है। क्या बोलोगे यार? क्या ही बोले यार, आ जाना चाहिए, अब चलते हैं यार, फोर्ट वोर्ट घूम लेंगे, कब तक क्या खड़े रहेंगे। प्रशांत बहुत नाली है यार, तो देख सकते हो यार वो काफी ज्यादा उनकी वजह से लेट, अपने को रुकना पड़ रहा है। चलो थोड़ी देर वेट करते हैं यार, अब क्या ही करें, साथ में आए तो वेट तो करना ही पड़ेगा। तब हम लोग आ चुके हैं दमन फोर्ट में और दमन फोर्ट में घुसते ही यार यहाँ पे मुझे एक बहुत ही यूनिक चीज देखने को मिली कि यहाँ पे पता है अंदर भी लोग गाड़ी वगैरह लेकर आ रहे हैं। मैं यूजुअली जितने भी फोर्ट्स हैं ऐसे जगहों पे गया, यहाँ पे यूजुअली गाड़ी अलाउड नहीं होती है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो पीछे जैसे लोग स्कूटी बाइक कार हर कुछ अलाउड है। प्रशांत इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे यार? मतलब यार पहली बार देख रहा हूँ मैं इतना, मतलब लोग रह भी रहे अंदर, पूरा शहर बसा हुआ है किले के अंदर, इवन गवर्नमेंट का पूरा वो गवर्नमेंट रेजिडेंस भी है। तो यार ये काफी यूनिक है दमन में, पहली बार मैंने देखा।
यार वापस स्टेशन में आ चुके हैं अभी हम लोग और नाश्ता वगैरह कर लिया हमने, नाश्ता डन है और यहाँ से बस अब मुंबई निकलना है, मुंबई जाने के लिए वापसी तैयार है। प्रशांत खूब गाने सुन रहे हैं, रहे हैं, क्या बोलोगे? अच्छा तो यार थक गए थोड़ा, थके ओके तो नहीं है, रोल ले रही है। चलो ठीक है, आगे मिलते हैं आपसे। यार हम लोग मुंबई पहुँच चुके हैं, अंधेरी में है, अंधेरी मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से बस मेट्रो लेना है एंड देन घाट के ऊपर पहुँचते हैं, फिर वहाँ से इंस्टी जाते हैं। ठीक है चलो। तो यार कुछ इस तरीके की रही अपनी एक दिन की दमन की ट्रिप। कल रात में मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो कल रात में वापस आने के बाद मैं शूट नहीं कर पाया। तो बस अभी यही बोलने वाला था कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपना बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वीडियो का कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।